हजारों फणों वाले पृथ्वी का भार संभाले, मणियों से मंडित हैं। 1000 मुखों और 2000 जिह्वाओं से सदा भगवान श्रीहरि का नाम जपते हैं। वे पलंग छत्र पंखा बनकर सदैव श्रीहरि की सेवा करते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु सदैव किसी भी प्रतिमा या चित्र में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए ही दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है या जानने का प्रयास किया है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर ही क्यों सोते हैं? भगवान विष्णु को शांत, आनंदमय और कोमल हृदय का बताया गया है, वहीं शेषनाग का वर्णन एक भयंकर जहरीले नाग के रूप में मिलता है। दरअसल मानव जीवन का प्रत्येक पल कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। इनमें पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व अहम होते हैं, किंतु इन दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का सिलसिला भी चलता रहता है, जो काल रूपी नाग की तरह भय, बेचैनी एवं चिंताएं पैदा करता है। अतः भगवान विष्णु का शांत स्वरूप ऐसे बुरे वक्त में संयम एवं धीरज के साथ जीवन की सभी मुश्किलों पर काबू पाने की प्रेरणा देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चित मन एवं मस्तिष्क के साथ अपने धर्म का पालन करना ही भगवान विष्णु के भुजंग अथवा शेषनाग पर शयन का प्रतीक है। इस संबंध में पुराणों में एक कथा भी वर्णित है, चलिए जानते हैं। कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव पृथ्वी के भ्रमण पर निकले। उस दौरान उन्होंने देखा कि सृष्टि का ऐसा कोई कोना ना था जहां सुख स्थापित हो। मनुष्य अपने जीवन में चल रही परेशानियों से बहुत दुखी थे और आने वाली परेशानियों के विषय में सोचकर भयभीत थे। पृथ्वी पर मौजूद हर घर में एक अलग सी निराशा छाई हुई थी। कोई रो रहा था तो कोई भगवान को कोस रहा था। ये देख भगवान शिव का मन विचलित हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु से सृष्टि में सकारात्मकता, प्रसन्नता और साहस का पुनः संचार करने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने शेषनाग का आवाहन किया और उन पर शयन की मुद्रा में स्थापित होते हुए सभी मनुष्य को संदेश पहुंचाया। वो संदेश ये था कि एक जहरीले सांप की ही भांति मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां, निराशा और दुख आते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से घबरा कर भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए और उनसे बाहर आने का कोई रास्ता खोजना चाहिए, और यह तभी संभव है जब मनुष्य खुद को शांत और हर स्थिति में आनंदमय रखे। भगवान विष्णु ने शेषनाग के साथ जब ये मुद्रा धारण की तो स्वयं भगवान शिव ने इसका पृथ्वी पर प्रचार किया और लोगों तक इसके पीछे का महत्व भी पहुँचाया। तभी से संसार को जागृत करने के लिए भगवान विष्णु ने शेषनाग को अपना निद्रासन बना लिया। इसी कारण से हिंदू धर्म में शेषनाग को भगवान विष्णु का ऊर्जा स्रोत माना जाता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।